ये सारे पटाखे फहरा दूंगा बुराई का परचम पृथ्वी लोक पे। चल तौबा तौबा हो जा शुरू। बालवीर दोस्तों, बालवीर, बालवीर दोस्तों, आप सभी को बालवीर की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस साल दिवाली पर ऐसे पटाखे ना फोड़े जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण हो। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। ऐसे कैसे बालवीर, पटाखों के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे? आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आप सबसे पटाखे फोड़ने का आनंद छीनूंगा नहीं, बल्कि मैं इस साल आप सबको ऐसे पटाखे दूंगा जिससे ना ही वायु प्रदूषण होगा और ना ही ध्वनि प्रदूषण। और इतना ही नहीं, उन पटाखों में आप सबके लिए तोहफे भी होंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर किसी ने भी आम पटाखे फोड़े तो उन्हें सजा मिलेगी। तो अब आप तय कीजिए, आपको सजा चाहिए या मजा? ठीक है बालवीर, हम नहीं फोड़ेंगे। अब नहीं खरीदेगा कोई बच्चा ये पटाखे, क्योंकि चाहिए सबको बालवीर के अद्भुत पटाखे। नहीं नहीं, बतानी होगी मुझे ये बात प्रचंडिका को। चल तुबा तुबा चल। है क्यों हंस रही है? है लगता हो गया इनका दिमाग खराब। मैंने तो बहुत बहुत छोटा खेल रचा था, लेकिन बालवीर ने खुद ही मुझे बड़े खेल की युक्ति सुझा दी। परियों के बनाए हुए पटाखों से अगर बच्चों को नुकसान होगा तो बालवीर और परियों का कितना नाम खराब होगा। मत घुमाइए बात को गोल गोल, बताइए साफ साफ कि है क्या अब आपकी योजना। बात सीधी सी है तौबा तौबा, मैं परियों के बनाए हुए पटाखों में बुराई का बारूद भर दूंगी, और जब बच्चे वो पटाखे फोड़कर अदृश्य हो जाएंगे तो सभी लोग इस घटना का दोषी बालवीर को ही ठहराएंगे। और बेचारे बालवीर और परियों की तो बोलती ही बंद हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके निर्दोष पटाखों के बदले ये खतरनाक पटाखे कहां से आ गए। वाह 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 प्रचंडिका, है आपकी योजना तो एकदम बढ़िया, लेकिन है इसमें एक छोटी सी समस्या। परियों के बनाए हुए पटाखों में डालोगे कैसे आप बुराई का बारूद? उसके दो तरीके हैं। एक ये कि हम परीलोक जाकर परियों के बनाए हुए पटाखों में बुराई का बारूद भर दें, और दूसरा ये कि हम भी परियों जैसे ही पटाखे बनाए और उसमें बुराई का बारूद भर दें। फिर परियों के बनाए हुए पटाखों के जगह हमारे बुरे पटाखे रख दें। प्रचंडिका, मुझे लगता है जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही मुश्किल है। इससे बेहतर होगा कि हम खुद परी लोग जाएं और उनके पटाखों में हमारा बारूद भर दें। मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो फिर प्रचंडिका हो जाइए शुरू, बना दीजिए बुराई का बारूद और बिगाड़ दीजिए सबकी दिवाली, ताकि मना सके हम भी यहाँ बुराई के दीवाने का जश्न। रानी परी, आपके आदेश अनुसार हमने निर्दोष पटाखे बनाने का यंत्र तैयार कर लिया है, ये देखिए। देखिए परियों, ये है बड़ा बर्तन, इसमें हम अच्छाई के बारूद डालेंगे, और इन चारों बर्तनों में अलग अलग चीजें होंगी, जैसे इसमें होगा हिम क्रीम, इसमें चॉकलेट, इसमें उपहार और इसमें फूल। चॉकलेट, फूल और उपहार के पटाखे? ये कैसे पटाखे नटखट परी?
यही तो विज्ञान परी और नटखट परी का कमाल है। हाँ परी, इस यंत्र से जो भी पटाखे बनेंगे उन्हें फोड़ने पर चॉकलेट, हिम क्रीम, फूल और ढेर सारे उपहार निकलेंगे। बात तो खुशी की है रानी परी, लेकिन हमें इस बात का डर है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम चॉकलेट, फूल, उपहार और हिम क्रीम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और दिवाली सर पर है। डरी परी, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इन चीजों के लिए आदेश हमने बहुत पहले दे दिया था। वो देखिए परी, चॉकलेट लोक से चॉकलेट, उपहार लोक से उपहार, पुष्प लोक से पुष्प और हिम लोक से हिम क्रीम की टोकरियां आनी शुरू भी हो गई है, ताकि जल्द से जल्द पृथ्वी लोक के बच्चों में उपहार बढ़ सके। लेकिन रानी परी, इसके लिए आपको परीलोक का सुरक्षा कवच हटाना पड़ा होगा ना? जी विस्तार परी, कुछ समय के लिए हमें परीलोक के सुरक्षा कवच को हटाना पड़ा, लेकिन परियों आप सब चिंता मत कीजिए, हमने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा परियों को तैनात कर दिया है। रानी परी ने सुरक्षा कवच हटा दिया है, इसलिए हम यहाँ तो पहुँच गए तौबा तौबा, लेकिन यहाँ तो छप्पे छप्पे पर परियां तैनात हैं और बुराई का बारूद परियों के पटाखों में भरने के लिए हमें उस यंत्र तक पहुँचना होगा, जो इतनी सुरक्षा के रहते वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए है, चलते वापस प्रचंड लोक, वहाँ पर फोड़ेंगे विस्फोटक, खाएंगे मिठाएंगे, खेलेंगे ताश और फिर सो जाएंगे दिवाली मनाकर। क्यों? कहने का था मतलब मेरा ये कि सुरक्षा करना तो है परियों का काम और सुरक्षा को तोड़ना है काम हमारा, तो निकालिए अपने शैतानी दिमाग से कोई शैतानी योजना और कीजिए घुसपैठ। मिल गया रास्ता तौबा तौबा, मिल गया है कहाँ रास्ता है? वो देखो, अलग अलग लोक से जिन चीजों की टोकरियां परी लोक आ रही है, मैं उन टोकरी में छुप कर उस यंत्र तक पहुंच जाऊंगी। लो बुराई का बारूद दे दो। भटकाती परी, आपको रानी परी बुला रही है। जी विस्तार परी, चलिए। गई वज प्रचंडिका, रानी परी बच्चों की खुशियों के लिए कितना कुछ कर रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूं। तुम्हें और बालवीर को उदास करने के लिए। बस कुछ और कदम और फिर लोग अच्छाई और सच्चाई को कोसेंगे और बुराई के छोटे छोटे धमाके बच्चों की और तुम्हारी खुशियों को छीन लेंगे। नटखट परी। जी रानी परी। तैयारियां कैसे चल रही हैं? रानी परी, पटाखे बनाने के यंत्र में फूल, खिलौने, चॉकलेट और उपहार भर दिए गए हैं और इसमें अच्छाई वाले बारूद भी भर दिए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो पटाखे बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी नटखट परी, शुरू की जाए। अब समय आ गया है, मुझे जल्द से जल्द सच्चाई और अच्छाई के बारूद में
बुराई का बारूद मिला देना चाहिए। क्यों प्रचंडिका, सच्चाई और अच्छाई में अपनी बुराई की मिलावट करना चाहती थी? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया प्रचंडिका? तुम्हें क्या लगा था कि चाल चलना केवल तुम्हें ही आता है? और तुम्हें क्या लगा प्रचंडिका कि तुम परीलोक की कड़ी सुरक्षा को तोड़कर खुद से अंदर आई हो? हमने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था जब तुम फूलों की टोकरी में छुप के आई थी। भटकाती परी, आपको रानी परी बुला रही है। जी विश्वदार परी, चलिए। हम चाहते तो तुम्हें वही पकड़ कर कैद कर सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि तुम्हारी योजना क्या है, और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ आने दिया जानबूझकर। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम बच्चों के निर्दोष पटाखों के साथ छेड़छाड़ करके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, लेकिन शायद तुम ये भूल गए प्रचंडिका कि जब तक हम यहाँ हैं, हम बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। अब हम तुम्हें परीलोक के कैदखाने में कैद करके रखेंगे। हम इसी समय तुम्हारा अंत कर सकते हैं, लेकिन हम ये शुभ कार्य दिवाली के शुभ अवसर पर ही करेंगे, क्योंकि उस दिन प्रचंडिका एक बार फिर से बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की विजय होगी। हो गया कल्याण, अरे हो गई प्रचंडिका की योजना तो उसके पटाखे की तरह फुस। भाग तो बहुत अबा यहाँ से और गिर जा शातिर परी के चरणों में, क्योंकि अब है बचा सकते वही तुझे इन परियों से, बालवीर से। भाग तो बहुत अबा, भाग। देखो प्रचंडिका, इन निर्दोष पटाखों में तुम्हें अपनी हार और सच्चाई और अच्छाई की विजय नजर आएगी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर तुम्हें दिखाती हूँ कि विजय किसकी होती है। नटखट परी, निर्दोष पटाखों का प्रदर्शन शुरू किया जाए। जी रानी परी। अरे वो कह रहा है बिल्कुल सच, देखा मैंने इस दूरबीन की मदद से, और फिर भाग गया मैं वहां से, वरना पकड़ा जाता मैं भी प्रचंडिका की तरह। अब तो बस रह गया एक ही काम, ले आओ कुछ फूलों की माला ताकि लगा ले हम प्रचंडिका की तस्वीर पर, घर के रहेगी वो परिया प्रचंडिका का अंत। नहीं तौबा तौबा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम प्रचंडिका को परियों के कैद से मुक्त कर देंगे। अरे हो गया तुम्हारा भी दिमाग खराब प्रचंडिका की तरह, है लगता है भर के तुम्हारे भी दिन करेंगे कैसे मुक्त। याद करो तौबा तौबा, प्रचंडिका ने हमें दो तरीके बताए, अब वक्त आ गया है उन्हें आजमाने का। चादर परी नाम है मेरा, चालाकी है काम मेरा। रानी परी, सब पटाखे और उपहार तैयार है। शाबाश, आपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है। परियों, आप तुरंत इस हंसों के रथ को हमें पृथ्वी लोक भेज देना चाहिए, ताकि दिवाली के दिन तक बच्चों में उपहार बढ़ सके। जी रानी परी, ऐसा ही होगा। नहीं परियों,
तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों के चेहरों पर तुम खुशी की चमक नहीं देख पाओगी। देखूंगी तो मैं तुम सबके चेहरों पर दुख और उदासी की छाया। याद रखना, इसी जल गई पर बल नहीं गया। रहने दीजिए बालवीर, पुछता हुआ दिया है, थोड़ा तो फड़फड़ाएगा ही। बालवीर, आप प्रचंडिका की चिंता मत कीजिए। आप पृथ्वीलोक में जाइए और बच्चों में उपहार बांटिए। बच्चे बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप सही कह रही है रानी परी। रानी परी, हम सारी परियों को अनुमति दीजिए बालवीर के साथ जाने के लिए, हंसों की रथ की सुरक्षा के लिए। नहीं भटकाती परी, हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ परिलोक में आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ना परियों, दिवाली के शुभ अवसर पर हमें परिलोक को भी तो सजाना है। वैसे भी परियों, हमने बुराई के पहाड़ को तो कैद कर ही लिया है, अब शातिर परी जैसे बुराई के कंकर हमारे सामने आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रानी परी। चलो, डुबा डुबा एक। जी रानी परी। आप तुरंत पुस्तकालय में जाइए और इतिहास की किताब को लेकर आइए, क्योंकि हमें अभी पारे की शक्ति को पूरा करने का उपाय भी ढूंढना है, ताकि सच्चाई और अच्छाई के ऊपर मंडराते बुराई के काले बादल हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। जी रानी परी। अच्छा, बालवीर निर्दोष पटाखों को लेके पृथ्वी लोग जा रहे हैं। हाँ, परियों के अच्छे पटाखों के साथ मेरे बुरे पटाखों की अदला बदली का बस यही मौका है मेरे पास। लेकिन अगर मैं बक्सों की अदला बदली करूंगी तो आवाज होगी और बालवीर सतर्क हो जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। मुझे किसी भी तरह बक्सों की आवाज को दबाना होगा। लेकिन कैसे शातिर, कैसे? वाह शातिर, क्या दिमाग पाया है। हाँ, सूझ गई युक्ति मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.